डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। चंदनगढ़, बमीठा, डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि को लेकर बमीठा में प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सत्येंद्र शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ बढ़ते पेट्रोल डीजल एवं महंगाई के विरोध में जंगी प्रदर्शन। सत्येंद्र शर्मा के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई के खिलाफ किया जा रहा पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन लगातार भाजपा सरकार में बढ़ रही महंगाई को लेकर निकाली गई पदयात्रा। सत्येंद्र शर्मा के नेतृत्व में ग्राम बमीठा के आसपास के ग्रामों हर घर में व्यक्ति शामिल होकर सत्येंद्र शर्मा द्वारा बताया गया कि आज वर्तमान समय में पेट्रोल डीजल खाद सब्जी पदार्थ जिस हिसाब से आसमान छू रहे हैं और गरीब जनता पर इस महंगाई की मार बड़े दुख के साथ झेल रही है, जिनको देखते हुए युवा कांग्रेस पार्टी द्वारा हर गाँव तक यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर यह महंगाई कम नहीं की जाती तो संपूर्ण जिले में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार भाजपा सरकार होगी। मौके पर सत्येंद्र शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष बसारी रवि गुप्ता, ज्ञानेंद्र सिंह परमार, प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश रैकवार, राहुल सिंह परमार, राजेश पटेल, देवेंद्र साहू, राजकुमार सिंह मोनू, शिवम राजा समस्त कांग्रेस और कर्ता मौजूद रहे। बुंदेली न्यूज। आज युवा कांग्रेस द्वारा पैदल मार्च निकाला गया, क्या उद्देश्य? बढ़ी हुई महंगाई को लेकर आज सब्जी व कांग्रेस के साथियों के द्वारा बमीठा में पैदल मार्च निकाला गया है और छोई हुई मोदी सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम सभी युवा कांग्रेस के साथियों ने काली और थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन जताया है। यह विरोध प्रदर्शन आपका कब तक जारी रहेगा? ये जब तक महंगाई कम नहीं होगी तब तक हम सभी संघर्ष करते रहेंगे। हमारा काम संघर्ष करना है और मोदी सरकार को बताना है कि जनता कितनी परेशान है। आप सोई हुई है सरकार, आप जागिए, आपको जनता वोट देती है। आपका कर्तव्य है कि आप जनता को देखें और देखें जनता कितनी परेशान है।